नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तिका झा के जीवन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वर्तिका झा वो एक भारतीय डांसर है। वही डांस रियलिटी शो डांस प्लस फॉर डांस दीवाने और इंडिया बेस्ट डांसर के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में की थी और उनको 2020 में बॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी देखा गया था। वो मूल रूप से सोनभद्र उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनका जन्म सोनभद्र जिले के रेणुसागर में हुआ था। वो अरविंद कुमार और कांता झा की बेटी है। उनके पिता अरविंद झा हिंडालको के रेणुसागर प्रोजेक्ट में ऑपरेटर है। डांस प्लस सीजन 4 के दौरान वर्तिका ने कहा कि वो अपने पिता से बहुत ही प्यार करती है और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों को पार किया है। फैमिली से उनके अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी है। वर्तिका को बचपन से ही डांस करने का शौक है। उन्होंने 6 साल की उम्र में NTPC एकल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। उनका आत्मविश्वास देखकर फैमिली ने उन्हें पढ़ाई के साथ डांस की ट्रेनिंग भी दी। जब वो 9 साल की थी तब उन्होंने राज्य स्तर बुगी वुगी कार्यक्रम में ऑडिशन दिया था। उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने डांस अभ्यास जारी रखा। उनको 2018 में डांस रियलिटी शो डांस दीवाने से लोकप्रियता मिली। शो में उन्होंने अपने डांस आइडल माधुरी दीक्षित के सामने डांस किया। इस शो के बाद उन्होंने डांस प्लस 4 में हिस्सा लिया और शो के फाइनल में पहुंची। वह डांस दीवाने से पहले राज्य स्तर पर कई खिताब जीत चुकी है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म स्ट्रीट डांसर से की थी। 2017 में वह रीवा में ओबरा रिदम प्रतियोगिता की विजेता बनी। वह इंदौर में डांस क्लास सीजन 2 के 4th दौर में पहुंची। वर्तिका एक यूट्यूब सनसनी भी है और पायरेट्स एंड क्रू नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है। अल्फान जलबी पर उनके डांस वीडियो को 3 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वह डांस रियलिटी शो डांस प्लस 4 के लिए जानी जाती है जिसमें वह फाइनल में पहुंची थी। 2020 में उन्हें सोनी टीवी के डांस शो इंडिया बेस्ट डांसर में टाइगर पॉप के मेंटर कोरियोग्राफर के रूप में देखा गया और उन्हें 5 लाख रुपए का चेक भी मिला। तो दोस्तों ये सफलता वर्तिका झा के जीवन के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर।